कपिल शर्मा शो देखते हो? देखा करो, आपका स्ट्रेस डाउन होगा। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने विजुअल मर्चेंडाइजिंग का टॉपिक कवर किया था बेटा। आज के इस वीडियो में हम करेंगे बेटा सेल्स एंड डिलीवरी का, जो कि हमारा फर्स्ट चैप्टर का सेकंड सेशन है। जो सेल्स है वो क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे, डिलीवरी क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। सेल्स सेल्स होती है बेटा किसी भी सामान की खरीददारी या बिक्री। खरीददार जो होता है वो ग्राहक कहलाता है, और जो बिक्री करता है वो एक रिटेलर कहलाता है, दुकानदार कहलाता है। और जो खरीददारी करने वाला है, जब पैसे पे कर देता है दुकानदार को, तो उस प्रोडक्ट की ओनरशिप चेंज होती है। उसका मालिक पहले वो स्टोर या दुकान होती है, उसके बाद में जब वो पेमेंट दे देता है, पेमेंट देने के बाद में उसका मालिक एक ग्राहक जो है उसको खरीदने वाला है वो बन जाता है। आगे हम डिलीवरी के बारे में बात करेंगे। डिलीवरी जब सेल्स हो जाती है उसके बाद में उस प्रोडक्ट की डिलीवरी की जाती है। वो डिलीवरी कई तरह से हो सकती है बेटा, प्रीपेड हो सकती है, ऑन कैश ऑन डिलीवरी भी हो सकती है। तो इस तरह से आज हम जो पिछले विजुअल मर्चेंडाइजिंग में मिस्टर पॉल थे, उसके एक जूनियर हैं मिस्टर सैम, जो कि उसी स्टोर में सेल्स मैनेजर हैं। सेल्स मैनेजर का क्या काम होता है किसी स्टोर में, उसके बारे में बात करेंगे। जो सेल्स मैनेजर सैम है वो बहुत ही ज्यादा मेहनती है, अपनी कंपनी के बिल्कुल हर एक चीज को मॉनिटर रखता है, किसी भी प्रकार का नुकसान होने से बचाता है, लॉस होने से बचाता है, और बहुत ही ज्यादा इफिशिएंटली काम करता है। लेकिन कुछ समय के बाद सेम जो है इस चीज पे ध्यान देना बंद कर देता है, और वो छुट्टियां लेना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जो सुपरमार्केट है जिसमें वो स्टोर जो है उसको लॉस होना शुरू हो जाता है। तो इस तरह से हम ये समझे कि जो सेल्स है, सेल्स में हर आदमी की इम्पोर्टेंस है। कोई भी सेल्स पर्सन या वर्कर, कोई भी हर एक मतलब इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण है हर एक आदमी उसके लिए। जो सेल्स है किसी भी कंपनी की एक रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, उसके बगैर कोई भी डिपार्टमेंट अपना कार्य नहीं कर पाएगा, वो कंपनी प्रॉफिट नहीं ले पाएगी। आगे हम उसी स्टोर में काम करने वाले दो डिलीवरी बॉयज हैं उनके बारे में बात करेंगे। जो डिलीवरी बॉयज होते हैं वो जो है अपना डेली नीड्स और ग्रोसरी का सामान डिलीवर करते हैं, जो ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं या फोन कॉल पर आते हैं उस तरह से। तो आजकल का जो पेंडेमिक है, महामारी का जो कोरोना का चल रहा है, उस समय में उन्हें एक्स्ट्रा पे भी मिल रही है, और जब वो टाइम पे डिलीवरी करते हैं तो उन्हें इस चीज के लिए कुछ कस्टमर टिप भी देते हैं। तो आज इसे जो ये प्रेजेंटेशन है इसके माध्यम से हमने सीखा कि टीम वर्क कितना महत्वपूर्ण है, और कोई बिजनेस प्रोसेस कितना महत्वपूर्ण है। जब हम कोई टीम मिलके काम करती है और एक प्रोसेस के साथ, जब टीम वर्क और प्रोसेस एक साथ मिल जाएगा तो हमें सफलता हासिल होती है। आज हमारा जो लेक्चर है यही समाप्त होता है। थैंक यू।